उसमें कहां। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, डेट इज़ ए यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन्स फ्रॉम ए डोनर सेल कैन बी इम्प्लांटेड इनटू बैक्टीरियम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोटीन सिंथेसिस। द काइंड ऑफ सेल्स डेट कैन बी यूज्ड एज जीन डोनर इन दिस टेक्नोलॉजी आर। ठीक है, तो वो बोल रहा है इनमें से कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के लिए कौन सा सेल्स यूज होता है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने रीड कर लिया, वो बोल रहे हैं बैक्टीरिया ओनली, आइदर ईस्ट और बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, एनी ऑफ दीज। ठीक है, तो हम लोग इनमें से कोई भी सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर्स क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर्स आ जाएगा 4। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने ये कोई एक फॉरेन जीन बनाया। ठीक है, ये हमारा कोई है, और जब हम लोग मतलब इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको मिला के पूरा हमने मिलाया, सॉरी हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग मतलब ये हमारा रेड हो गया, और इससे जब हमारा एक ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस दोनों को मिलाने की जो प्रोसेस है, इस किलो को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बायो रिएक्टर्स। ठीक है, तो वो बोल रहा है इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है विथ रिस्पेक्ट टू बायो रिएक्टर्स। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लार्ज वॉल्यूम के लिए हम लोग बायो रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। दूसरा हमारा आता है इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाँ, हमें इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, ये सभी चीज़ें देने पड़ती है। इट इज़ कम्प्लीटली एन ऑटोमेटेड टूल। भाई ऑटोमेटेड नहीं है, हमें इसमें चीज़ों को डालना पड़ता है तभी आप लोग किसी प्रोडक्ट को निकाल पाओगे। कम्पैक्ट थर्मल साइकिलर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वैक्टर्स। तो वो पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा क्लोनिंग वैक्टर्स नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो सेल फर्स्ट होता है ये हमारा क्लोनिंग वैक्टर्स नहीं है, तो आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो सबसे पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे मैच करेंगे, इसको हम लोग मैच करेंगे, देख लेते हैं हम लोग फोर्थ से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए में आप लोग किससे मैच करोगे, तो हम लोग मैच कर लेते हैं, लोग किससे मैच करेंगे प्रेसिपिटेशन वाले को, कमेंट में आंसर दो। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं। ट्रांसपोजोन्स होते हैं हमारे, डेट इज़ ए जंपिंग जीन्स। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, जंपिंग जीन्स। और इथिडियम ब्रोमाइड क्या हो जाता है, अरे सॉरी यार इसको हटाएंगे कैसे, हटाने का ऑप्शन। ठीक है, तो इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, डीएनए स्टेनिंग, और ट्रांसपोजोन्स क्या है, जंपिंग जीन्स। ठीक है, तो देखो जंपिंग जीन्स का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने इसको डिस्कवर्ड किया है, तो ठीक है क्लिंगटन वगैरह आ जाता है, तो इसको याद रख लेना। इसके बाद चलो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका हो जाएगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए पर्सन ऑप्टेन ट्रांसफॉर्मेंट बाय इंसर्टिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बी गैलेक्टोसाइड ही विल सेपरेट आउट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं हम लोगों ने पढ़ा रखा है टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस। ठीक है, तो हम लोग इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं तो बीटा गैलेक्टोसाइज का यदि ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे हमें कलरलेस कॉलोनी मिलती है। ठीक है,
यदि वहाँ पे GOI प्रेजेंट होता है तब। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, तो इसका आंसर आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर वे नॉन रिकॉम्बिनेंट गिव ब्लू कलर। ठीक है, यदि रिकॉम्बिनेंट है तो वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, यदि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो वो ब्लू कलर की कॉलोनीज वहाँ पे फिर हमें देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन PBR 322 टेट्रासाइक्लिन रेस्टेंट जीन हैज़ रिकॉग्नाइजेशन साइट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा वैम एच वन। ठीक है, PBR का फुल फॉर्म याद रखना क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड बॉलीवर रोटरीगेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाउ मैनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड ऑन डाइजेशन ऑफ ए क्लोज सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स विथ ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैविंग 6 रिकॉग्नाइजेशन साइट्स ऑन द DNA। ठीक है, तो कितने पे होता है, तो याद रख लेना इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा डेट इज ए 6। ठीक है, तो आंसर थर्ड। चलो स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन है, तो वो बोल रहे हैं रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड TI एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर्स इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, द TI प्लाज्मिड इज यूज्ड एज मैकेनिज्म डिलीवरिंग जीन्स टू सेल रिमेन्स पैथोजेनिक। तो क्या होगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा ए और दो, मतलब इसमें जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, दूसरा क्या है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें याद रख लेना पैथोजेनिक नहीं, हम लोग उसको डिसआर्म्ड करके भेजते हैं। ठीक है, कैसा करके डिसआर्म्ड कर देते हैं कि वो हमें हार्म ना करे। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स। ठीक है, तो बोल रहे हैं कौन कौन से बायो टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स होते हैं हमारे पास, तो कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कौन कौन सा, सिंपल और स्पार्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, डेट इज 10th। तो बोल रहे हैं टर्म रिकॉम्बिनेंट DNA रिफर्स टू। ठीक है, तो क्या रिफर्स, क्या इंडिकेट करता है वो, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज ए DNA विथ पीस ऑफ फॉरेन DNA। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा DNA विथ ए पीस ऑफ फॉरेन DNA। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं मैच द टर्म। ठीक है, तो मैच करना है हमें फिर से इसमें, चलो तो मैच करते हैं, क्या मैच करना है, चलो तो वो बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आंसर बता दो इसका क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट का हम लोग फोर्थ लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डेट इज ए प्रोसेस विच बैक्टीरिया टेक्स पीस ऑफ DNA फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, यही होगा ना इसका, ठीक है, तो हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, बी का क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जहाँ पे हम लोग कट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हो जाता है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा हमारा प्रोसेस बाय विच DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ये, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया टू, तो इसको कर लेना। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट एंड एनिमल सेल्स टू कैंसरस सेल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वो बोल रहा है माइक्रोब्स नॉर्मल प्लांट सेल्स और कैंसरस सेल्स के बारे में हमें बताना है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस और दूसरा हो जाएगा रेट्रोवायरस, डेट इज ए एनिमल सेल्स होता है। ठीक है, जहाँ भी बर्ड देखे रेट्रो समझ जाना वो एनिमल्स के लिए ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन है 13। ठीक है, तो इसको सबसे पहले रीड आउट करते हैं, तो रीड आउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द DNA। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर्स। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है बट कोई इसका एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, जहाँ जीन ROP प्रेजेंट इन PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर्स कोड्स फॉर। ठीक है, वो कह रहे हैं ROP प्रेजेंट इन PBR किसको कोड करता है। ठीक है, तो किसको कोड करता है ये, ये कोड करता है रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ठीक है, तो याद रख लेना ROP क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, और ORI क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं
ए पर्सन है सेपरेटेड द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी परफॉर्म्ड बाय हिम इन ऑर्डर टू विजुलाइज द बैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो कैसे विजुलाइज करेंगे हम लोग इसको, तो हम लोग यूज करते हैं स्टेनिंग विद ईसीडीएम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन द, कहाँ से कहाँ करता है ये, बेस पेयर्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, बेस पेयर्स ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स, सुगर एंड फॉस्फेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, एक्जोन एंड इंट्रॉन्स। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुगर और फॉस्फेट कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इन ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आफ्टर द डीनेचुरेशन स्टेप बाई द मिक्सचर नीड्स टू कूल डाउन टू ए लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आफ्टर द डीनेचुरेशन मिक्सचर को ऐड किया जाता है कूल डाउन लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या हम लोग उसमें वहाँ पे ऐड करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे प्राइमर। ठीक है, तो याद रख लेना किसका यूज़ कर रहे हो, प्राइमर का। और थर्ड कौन सा होता है हमारे पास, एक्सटेंशन। ठीक है, एनीलिंग एक्सटेंशन। ठीक है, तीन स्टेप होते हैं इनके, टेम्परेचर पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। 18 पे आते हैं हम लोग अब, तो 18 क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट वन। ठीक है, तो करेक्ट हमें देखना है, तो देखो करेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट आयनिक प्रॉपर्टीज, हाँ बिल्कुल सही। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूजुअली सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। नेचुरली इन मैनी बैक्टीरिया ऑल्सो, ठीक है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज एन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स वाइल प्रोड्यूसिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। इन इको आरआई द रोमन न्यूमेरिकल आई इंडिकेट्स डेट इज वॉज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू बी यूज एज वेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हमको यहाँ पे बताना है, वैसे तो इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ही हैं, तो फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, चलो 20 का और बता देना, 20 का क्या होगा, विच ऑफ द करेक्टली डेप्लेट साइट्स इको आर आई, इको आर आई का रेप्लिकेट साइट्स बताना है। ठीक है, तो इको आर आई जी ए टी टी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी हम लोग इस पर लेके आने वाले हैं पी वाई क्यू सीरीज, जिसमें हम लोग सभी चैप्टर्स के कम 10 ईयर्स के पी वाई क्यू को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।